अपने सरों को हम प्रार्थना में चुकाएंगे जीवन के बानी जिंदा उदाहर करता प्रभु मसीह तहे दिल से आपके बड़े शुक्रगुजार हैं इस प्यारे वक्त के लिए जो आपने हमें दिया खुदावन की उफास सहित आपके चरणों में आ सके प्रभु अपनी प्रार्थना को रखने के लिए और मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि जब हम यहां पर आए खुदावन हम खाली मन के साथ नहीं प्रभु लेकिन उन वचनों को गुनगुनाते हुए अपने मन में आए हैं प्रभु यीशु मसीह जो आज आपने हमें दिए हैं प्रभु खुदावन काश जब हम यहाँ बैठे प्रभु तो आप आए खुदावन हमसे बातचीत करें प्रभु मसीह, हमारे हृदयों को खुदावन आप जागृत करें खुदावन और मेरी प्रार्थना है प्रभु मसीह यहाँ पे कोई भी सोई भी हालत में ना पाए जाए प्रभु लेकिन आज की प्रेजेंट डीलिंग के लिए खुदावन में होते हुए आपको देखने पाए प्रभु मसीह मेरी प्रार्थना है खुदावन आज हम प्रभु आपको फ्लैश में देखना चाहते हैं खुदावन आप आके हमसे हम कलाम हम हमसे हम बातचीत करें प्रभु हमारी आंखें खोले खुदाबंद कि हम केवल शरीर नहीं लेकिन शरीर के पीछे आपको देखने पाए प्रभु इस रोटी तोड़ने में हम आपको देखने पाए प्रभु यीशु मसीह मेरी प्रार्थना है खुदाबंद कि हमारे अजीज पास्टर को आप प्रभु ले और उनके माध्यम से आप हमसे बातचीत करें प्रभु आज के लिए प्रार्थना का कॉन्टेक्स्ट आप हमें प्रदान करें खुदावन या जितने भाई बहन आएँ सबको नामाशियु बरकत दें प्रभु यीशु मसीह ओ खुदाबन मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु कि आपका नाम हमारे बीच में जलाल पाए प्रभु यीशु मसीह आपका नाम मुबारक हो आपके नाम की जयसुई तारीफ़ हो प्रभु हर एक भाई बहन को बड़ी बरकत दें खुदाबंद यीशु मसीह और जो भाई बहन अपने हृदय में प्रार्थना लेके आए खुदाबंद उस प्रार्थना को आप अपने पाक खजाने से पूरा करें प्रभु आपके नाम की तारीफ़ हो इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ ए प्रभु का धन्यवाद करते हैं बड़े सुनहरे पलों के लिए जो खुदाबंद आपको और हमें देते हैं और खुदा ने इस फोरम को जो फास्टिंग का उसको चालू किया है ताकि आप लोग आ सके आप लोग आनंदित है ताकि खुदा का धन्यवाद कर सके अपनी प्रार्थना को खुदा उनके सामने रख सके ए मैन आई एस गीत को 237 इंग्लिश सेक्शन से एज वी योर स्पिरिट मूव अमंगस्ट gather, एज वी spirit Move amongst us as we gather. May we glorify Your name, knowing well. And as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we praise Your name. We will be blessed because we came once again As we gather may your spirit move our minds As we gather may we glorify your name Knowing well that as our hearts begin to worship Because we praise your name, we'll be blessed because we came. The steadfast. Mercies of God. They are new every morning. God, who is rich in mercy. Amen. The perfect strength and perfect weakness. Do you believe that He's here today? Evening. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Only believe all things are possible. Amen. oh. oh. Only believe, oh. Jesus, is here, my Jesus. Is here. िसवाध्या और उसकी हम एक से लेके छ तक पढ़ेंगे देन Lord आंसर द लॉर्ड know that कैंस डू do एंड दैट नो थॉट कैन बी विद होल्डन फ्रॉम दी Who ही दैट हाइड इथ काउंसिल विदाउट नॉलेज therefore have i uttered that i understood not things too wonderful for me which i knew not here i beseech thee and i will speak i will demand of thee and declare thou unto me i heard of thee by the hearing of the ear but now mine eye seeth thee wherefore i abhor myself and repent in dust and ashes then luka kinji oroska दूसरा अध्याय और उसकी हम पच्चीसवीं और छब्बीसवीं आयत ही पढ़ेंगे बिहोल देर वॉज अ मैन इन जेरूसलम नेम वॉज सिमियन एंड द सेम मैन वॉज जस्ट एंड डिवाउट वेट इन फॉर द कंसोलेशन ऑफ इजराइल एंड द होली गोस्ट वॉज अपॉन हिम And it was revealed unto him by the Holy Ghost that he should not see death before he had seen the Lord's Christ. Lord Jesus, आप आए हमारे बीच में अपने वचन से बात करें प्रार्थना का कॉन्टेक्ट दें और दुआ है कि जो हम आज मांगते हैं हमारे लिए वो चीज़ें पूरी हो जाएं और हमारे लिए सारे अड़चने और रुकावटें खत्म हों और हमारे लिए खुदावन वो मार्ग तैयार करें जिसके द्वारा हम आपके साथ रैप्चर में जाने वाले हों हर रोकने वाली वस्तु हर दुष्ट आत्मा हमारे बीच से विफल हो बर्बाद हो के अधिक के कुंड में डे ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए बांधी जाएँ और अनाब का पवित्र आत्माधिकाई से हमारे जीवनों में काम करें आपका रहम चाहते हैं अपने आप को अपने परिवारों को आपके लहू के बाड़े के नीचे बांधते हैं और दुआ अपने वचन से हमसे बातचीत करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से Amen. God bless you. आप लोग बैठ सकते हैं so, प्रभु का नाम मुबारक हो आज सुबह इस समय के लिए जो प्रभु ने हमें बख्शा कि एक बार फिर हम प्रभु की मौजूदगी में आए ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधा पॉइंट पे आऊंगा आज बहुत ही विचित्र दिन रहा मेरे लिए सुबह मैं मैं एक नबी का मैसेज पढ़ रहा हूँ खैर आप लोग हिंट पाए गए होंगे क्यों पढ़ रहा हूँ उसके पीछे कुछ कारण थे ऐसे ही हम किताबें कभी उठा के नबी का मैसेज नहीं खोल लेते हम लोग डायरेक्ट होते हैं कुछ देखने के लिए मैं पर्सनली कन्फेस करूँ आज मुझे मैसेज में एटी बपतिस्मा अगर मैं बत्तीसवें से भी चलूँ तो मेरे ख्याल में पंद्रह साल वो लगा लें पैंतीस साल आप लगा लीजिए हो चुके मैसेज में ये तो है बत्तीस में से लेकिन जब हो संभाला इस मैसेज में ही हो संभाला तो पैंतीस चालीस साल जो भी आप लगाएं और जाने में कितनी बार ये मैसेज पढ़ चुका मैंने समझा नहीं ना जो समझने की बात थी वो नहीं समझ और वो लिखा है इसी में एक से एक सब्जेक्ट प्रचार किए इस मैसेज में से निकाल के और लोगों का बेनिफिट हुआ लेकिन क्या देख रहे हैं नबी क्या चल रहा है एक नबी के दिमाग में जब वो ये मैसेज ले रहे हैं वो तो कुछ और ही है कह रहे हाँ हां वो तो सब मैं आज रख नहीं पाऊंगा मैंने कुछ भाइयों के साथ ये शेयर किया पॉइंट यहाँ से चालू हुआ मैंने नबी का मैसेज निकाला खुदा का चुना हुआ आराधना का स्थान पहले पन्ने पे दूसरे पैराग्राफ में भाई ब्रेनम तारीफ़ कर रहे हैं उन बच्चों की भाई जैक मोर की बेटी एना जीन और कुछ और भी लोग हैं जिन्होंने कोई गीत गाया और तारीफ करने के बाद कह रहे थे जब गीत चल रहे थे तो मैं भाई यंग ब्राउन से बात कर रहा था मैंने आप लोगों तो से शेयर की बात और यंग ब्राउन कह रहे हैं कि मैं इतने साल से भाई ब्रैनम आपके साथ सेवकाई में चल रहा हूं लेकिन कल रात नॉट नॉट कल रात कल ही मुझे समझ में आया कि आप पकड़ में आई बात कि आप कहना क्या चाह रहे हैं मैं चौंका मैंने कहा ये यंग ब्राउन भाई खैर मैंने कहा हाँ सही बात है भाई होता है बोले कल ही में और बोले भाई अगर कोई सचमुच में आपकी बात को समझ पाए और पकड़ पाए तो उसके रास्ते में कोई भी रुकावट रहेगी ही नहीं ये चैलेंज है खुला चैलेंज चाहे बीबी को लेके चाहे हस्बैंड को लेके चाहे बच्चों को लेके चाहे जॉब को लेके चाहे नाना प्रकार की जरूरतें हैं जो आपके जीवनों में यहां सब बैठे हैं होंगी बोले अगर किसी को समझ में आ जाए भाई ब्रहणाम समझ लेकिन आना समझ में चाहिए कि आप कह क्या रहे थे मैं चौंका पिछली रात तो मनसा से किताब उठाई थी गॉड चोजन प्लेस ऑफ वर्शिप पढ़ने को मुझे कुछ कॉन्टेक्ट निकाला खुदा ने इन दिनों में कुछ रिवील किया और कुछ कुछ मैंने एक जगह शेयर भी किया लेकिन उसमें बहुत कुछ है तो मैं मैसेज में जा रहा था मैंने किताब वहीं बंद कर दी मैं ना चलो भाई पिछले दिन अब मैं दिमाग लगाने लगा भाई पिछले दिन कौन सा मैसेज सुना होगा भाई ब्रहनम का दो मैसेज हैं एक सुबह का एक खुदावन की सेवा बगैर उसकी इच्छा के और शाम का मैसेज था मैंने सुना था लेकिन अब देखता हूँ तो मैं लीड हुआ कि मैंने कहा मोस्ट प्रोबेबली शायद भाई यंग ब्रॉन का मतलब इस मैसेज से रहा होगा तब मैं डायरेक्ट हुआ इस मैसेज पे मेरा शक सही निकला बिल्कुल सही निकला बात ऐसी है कुछ बातें रख पाऊंगा क्योंकि आज दुआ का दिन है लेकिन मैं आपको हिलाने आया हूं आज बुरी तरीके से सुबह मैंने मैसेज खोला प्रभु ने बहुत बात करी दिशा दिखाई समझ में आई समय हो गया था किताब बंद करी क्लिनिक जाना है मैं तो तैयार हुआ क्लिनिक के लिए रास्ते में मोबाइल खोला तो मैं मैसेज अपने देखता हूँ सुबह सुबह चेक करता हूँ आप भी करते होंगे तो दिल्ली जल बोर्ड से दो मैसेज आए थे मेरी दो भाई साहब आते हैं मेरी क्लिनिक पे तो दो फ्लैट्स हैं जो मिला के मैंने क्लिनिक बनाई तो उन दोनों का पानी का बिल बकाया था मैंने कहा अरे मैं कोई बात नहीं मैं पहले उनको पे कर देता हूँ कि आज कोई केस भी नहीं है आज थोड़ा हल्का देना है तो मैं पहले वहाँ चलता हूँ तो मैं सरिता विहार पहले दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस पहुंचा अब सुनिए क्या हुआ मैंने कहा क्लियर तो मैं आ जाऊंगा मैं जल बोर्ड के ऑफिस पहुंचा मैंने कहा के नंबर मेरे पास है आपको मालूम है के नंबर होता है एक उस पर आपका बिल निकल आता है तो मैं गया लाइन में खड़ा हो गया मैंने कहा बस मैं अपना बिल निकलवाऊंगा पे कर दूंगा मैं तो इसी मनसा से गया मेरे आगे दो तीन थे एक के बाद एक फटाफट सब अपना पर्चा लेके निकल रहे थे एक ही था शायद मेरे आगे वाला अटक गया अब उसका कोई लंबा काम वो बार बार सवाल कर मैं थोड़ा गुस्सा मैंने क्या चक्कर है यार कल भी मैं कहीं लाइन में खड़ा था काफ़ी टाइम में काम हो गया लेकिन सरकारी दफ्तर जी सर्वर काम नहीं कर रहा जी ये सर्वर डाउन है और ये है वो इतनी कोफ्त होती है आप लोग देखते हैं यू आर फेस दिस फ्रस्ट्रेशन सो मैनी टाइम्स सर्वर डाउन है जी देखिए अब सर्वर चालू होगा तब काम हो पाएगा आपका हम भी क्या कर सकते हैं चलिए खैर तो खैर आज जब मैं लाइन में खड़ा हुआ तो अब वो आगे वाला आदमी अटक गया मैं आगे बढ़ू थोड़ी देर के बाद एक आवाज ने मुझसे कहा अरे परेशान क्यों होता है ये जो अटका है तेरे आगे इसको देख क्यों अटका है ये? यहां से मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूं मैंने कहा रे। तो लाइन में जो आगे अटक गया वो मतलब खिड़की पे खड़ो क्यों खड़ा था इसे वो अपना कुछ पे, पे, पेमेंट के लिए मेरी नजर गई उसकी स्वेटर पे अरे तो बड़ी अजीब किस्म की स्वेटर उसने पहन रखी थी स्वेटर के पीछे कॉन्स्टिलेशन बने हैं साहब स्वर्गीय और कौन सा कॉन्स्टलेशन बना है बड़ा बड़ा लिखा है टॉरस और इधर लिखा है ओरायन क्योंकि मैं प्रचार कर चुका हूं और आप सुन चुके हैं इस भाषा को यह बात करती है बादल की और सेकंड कमिंग की फिर दो नाम कैनस मेजर कैनस माइनर ना ये दो डॉग्स हैं उस कॉन्स्टलेशन के जिसका नाम है जिमनी मैंने दोनों नाम पढ़े उस स्वेटर के माध्यम से कुछ बात खुदावंत करना चाह रहे थे मैंने कहा मैं जब घर जाऊंगा मेरे पास किताब है मैं ढूंढूंगा लेकिन एक बात पक्की है कि अब आमद आ गई खैर जैसे ही मैंने ये मैसेज पढ़ा उसका काम हो गया वो हट गया वो केवल रुका था मेरे लिए कि मैं स्वेटर पे पढूं कि क्या लिखा है चलिए ये तो पहली घटना हुई मेरा काम बना काम करके मैं क्लिनिक पहुंचा क्लिनिक पे मैं जब बैठा कल के ऑपरेटेड केसेस उन्हें देखा भाला आज कोई पेशेंट आया ही नहीं मानो कि मुझे खाली लोग जानते हैं भाई सतपाल आए पे दो दिनों में भीड़ जो हो आ जाती है तो लेकिन आज कोई मरीज था ही नहीं मैं बड़ा खुश आज, एक्चुअली आज मैंने चलो यार क्लिनिक में कुछ समय एक शांत बैठने का मौका मिला अब शांत बने अब क्या कल हमारे यहाँ एक शादी है देखिए प्रभु कैसे बात कर रहे हैं चलिए तो बड़ा इंस्पायर्ड हुआ कि कल मैं ये गाना मुंजी से कदमों पे चलना हुआ नहीं गवाऊंगा मतलब समा ये गीत हम हर शाद, शादी में गाते रहेंगे जो मैं भाइयों से बात भी करूंगा बताऊंगा भी मुझे गीत मिल गया कि जब ब्राइड चलती भी आए तो हमें कौन सा गीत गाना चाहिए और मैं बताता हूं आप लोग जानते भी हैं बाय रेवलेशन बता रहा हूं वो गीत है यीशु के सिपाही आगे कदम मार जब दुल्हन चलती हुई जा रही थी तब यह गीत था इस किस्म की धुन थी मार्चिंग वाली ट्यून में ये किस्म का नबी ने गीत का नाम भी लिया तो मैंने कहा कि ठीक है तो कल हम यही गाएंगे तो आप लोगों के लिए भैया पहले से मैं बता रहा हूं कल मुंजी से कदमों से शादी शुरू नहीं होगी कल शादी होगी ऑनवर्ड क्रिश्चियन सोल्जर जो हिंदी में है यीशु के सिपाही तो उसी का प्लीज़ गीत का नंबर मिल लिया आप खोज के रखिएगा मैं कल हम तो उस गीत को गाएंगे कुछ और भी चेंजेस हैं वो फिर हम कल ही डिस्कस करेंगे अब क्या हुआ तो मैं इस पर डायरेक्ट डायरेक्ट हुआ मैं मैं नबी के मैसेज में देखो ढूंढूफ़ प्रिव्यू ऑफ द ब्राइड में ही था तो मैं वाजिब सी बात है नबी ने प्रिव्यू ऑफ द ब्राइड के बारे में सबसे पहले मास्टरपीस के मैसेज में बताया मैं पहुंचा मास्टरपीस में वहाँ है ही नहीं पूरा दर्शन है लेकिन ये गीत नहीं है मैंने कहा अजीब बात यार मैंने तो पढ़ा है मैंने सुना है तो मैंने फिर सर्च में चला गया मैं खोजूं कि भाई कहाँ बोला नबी ने तो ये जो कि दुल्हन रही है ऑनवर्ड क्रिश्चियन सोल्जर गाते हुए ये है चूजिंग ऑफ अ ब्राइड के मैसेज में मैं भैया पहुंच गया उस पे मैं बड़ा खुश मैं तो इस मनसा से अभी मैं देख के आ रहा हूं स्वेटर टॉरस कैनिस मेजर कैनिस माइनर और जब मैं क्लिनिक पहुंच रहा हूं तो अब मैं खुश हूं भाई मुझे वो कोर्ट मिल गया और लाइन मिल गई जब लाइन मिल गई तो मैं पता नहीं अच्छा सा लग रहा मैं पढ़ता चला गया अरे दो चार लाइनों के बाद मेरे तो कमरे का माहौल ही बदल गया बरर मैं बहुत बुता से आत्मा से भर गया किस बात से वो जजमेंट जो नबी लॉस एंजलिस पे बोल रहे हैं वो आखिरी आधे घंटे जब उन्हें मालूम नहीं कि वो कहां खड़े हैं रिपेंट लॉस एंजलिस न्याय और जजमेंट तुम्हारे नीचे उबल रहा है फिल थ्रू आउट द होल वर्ल्ड हॉलीवुड सिटी ऑफ फॉलन एंजल्स बी ब्रॉड डाउन अंडर दॉर्ड शुड आई बी रीडिंग दिस टूडे खोजने तो गया था शादी का गाना पहुंच गया लॉस एंजलिस के भूचाल पे स्वेटर पे टॉरस आमद और फिर लॉस एंजलिस का भूचाल मैंने प्रभु ये सारी बातें क्या कहना चाह रहे हैं आप कहीं ऐसा तो नहीं कि अब उस भूचाल का समय सच में आ गया आपके मेरी सुबह कमरे में उस प्रभु से इस तर्ज पे बात चल रही थी हर्ड नाउ सी का मैसेज अब कंप्लीट किया नवीन ने जस्ट हर्ड अबाउट अलास का अर्थ क्विक द सन ऑफ मैन रिवीलिंग हिमसेल्फ बड़ा ही इंस्पायरिंग मैसेज है खैर है तो बहुत ढेर सारी बातें मैं चौंक गया और तब मैंने घर पहुंच के कहा कि मैं देखता हूं कैनिस मेजर कैनिस माइनर का क्या मतलब है मेरे पास वो किताब है कैनिस मेजर के पीछे जो संदेश है ये दो कुत्ते हैं उस कॉन्स्टेशन जिसका नाम है जेमनी आप बोलो जेमनी में ही कैस्टर का साइन लेकिन ये दो कुत्ते बनाए ये सितारों से मिलकर बनता है इनके पीछे संदेश क्या है द कमिंग ग्लोरियस प्रिंस ऑफ प्रिंसेस आने वाला राजाओं का राजा यह है मतलब उस पहले कुत्ते के पीछे कैनिस मेजर बहुत कुछ है छोड़ रहा हूं और कैनिस माइनर जो दूसरा कुत्ता है उसके पीछे जो मैसेज है वो है द एग्जॉल्टेड रिडीमर यानी अब राज का समय आ गया अब समय आ गया प्रकाशित उन्नीस का देखो सफेद घोड़ों पे सवार अगर उसका समय करीब आ गया तो फिर जाने का समय कितना दूर है हर बार मीटिंग में भाई आशीष आप आके बड़ा परेशान कर देते हैं परेशान हूं इसलिए कर रहा हूं बहुत ही अजीब दिन अजीब और गरीब दिन, घर पहुंचा, दुआ कक्ष में गया जब कक्ष में गया प्रभु ने फिर बात करना शुरू करी कई चीज़ें थी सुबह जब मैं दुआ कर रहा था तो मैं एक स्क्रिप्चर से बड़ा इंस्पायर हुआ पहले मैं उस स्क्रिप्चर को लेके फिर मैं आता हूँ इस वाले पे टाइम मेरे पास है अभी पांच दस मिनट मैं आपसे बताता हूं लूका की इंजील जो हमने अभी आपके सामने पढ़ा नबी का कहना है इस मैसेज में कि एक चैनल ऑफ इंस्पिरेशन है आप लोग खूब जानते हैं ये तो सारी बातें आप जानते ही हैं कि वो वाला हिस्सा हम बाद में कभी देखेंगे तो प्रेरणा की एक चैनल है जो एक व्यक्ति के लिए खुलता है और एक रेवल्यूशन ऑफ प्रेरणा की चैनल खुलती है बाय द होली गोस्ट पवित्र आत्मा ही उस चैनल को खोलता है आप ध्यान से सुनिए और नबी ने तब उस कोर्ट में इस मैसेज में इस नाम को लिया में रुक गया एंड बी मैन इन जेरूसलम एंड सेवाउट एक आदमी जिसने जिंदगी में बुरा नहीं किया भला किया बड़ा अच्छा किया लेकिन इस आदमी का कैरेक्टर क्या है जिसको नबी ले रहे हैं ही वॉज वेटिंग फॉर द कंसोलेशन ऑफ इसराइल वो इजराइल के कंसोलेशन हिंदी में कहे इसराइल की शांति कब आएगी का इंतजार कर रहा था ये एक ऐसा बिलीवर है जो किसी चीज की बाट जो रहा है ये एक ऐसा बिलीवर है जो किसी चीज की बाट जो रहा है उसे मालूम है उद्धार प्रकट होने वाला है जैसे आज कुछ सिमियन शायद आज शाम इस भवन में भी आए हों दिलों में बाट जोते हुए कि अब कुछ घटने पर है कि अब इज़राइल का छुटकारा आ चुका है यह तो इज़राइल की शांति की का खोजी था कि पवित्र आत्मा ने इस पर एक और बात खोल दी अब यह इसराइल की बात जो रहा अब खुदावन की बात जो रहा कि इसराइल का उद्धार प्रकट हो अब 2000 साल पहले मत जाओ मैसेज नहीं पड़ा आज के युग में आ जाओ ये बाट जो रहा है इस इजराइल की मैं आज के सिमोन की बात कर रहा हूं कि अब इस इजराइल का उद्धार कब आएगा वेन लॉर्ड टाइम कब आएगा टाइम एलिमेंट कि वो कब आएगा कि हम आपके उद्धार को देखेंगे और हम यहां से जाएंगे अब मैं ये कहूंगा डैनियल के सत्तर शब्द में कहा कि डैनियल तो जानना चाहता था कि वो कब निकलेंगे मैं जानना चाहता हूं हम कब ऊपर जाएंगे और तब वो फास सहित उसने खुदा को खोजना शुरू किया जिसका जवाब वो जिब्राइल दैट मैन केब्रियल इवनिंग टाइम पर उतर के आया जवाब देने और टाइम एलिमेंट डैनियल को समझाने क्या ये सच्चाई है, आगे बढ़िए मेरे साथ जल्दी बढ़िए आगे आप लोग काफी व्यस्त हैं मैसेज में इसलिए मैं तेजी से बढ़ रहा हूं अभी ये बात जो ही रहा है कि इन साहब के ऊपर एक बात और खुल गई मैं साहब कहूंगा क्योंकि बहुत प्यारा कैरेक्टर है बाइबल का इस विश्वासी पे एक बहुत बड़ा रेवल्यूशन खुला तभी मैंने छब्बीस एक द होली गोस्ट क्या रिवील हुआ होली गोस्ट के द्वारा वो इंस्पिरेशन की चैनल जो इस बुजुर्ग पे खुली मैं कहूंगा इस विश्वासी पे खुली जो इंतजार कर रहा है रेगुलरली चर्च आता है दुआएं करता है स्क्रिप्चर्स पढ़ रहा है मेडिटेट करता है तो कक्ष oh, में न इन हिज स्टडी ओ उसकी स्टडी में जब अपने स्टडी रूम में था उस पर बात प्रकट हुई दैट ही शुड नॉट सी डेथ ये रेवल्यूशन उसके ऊपर खुला द ही शुड नॉट सी डेथ बिफोर ही सीन द लॉर्ड्स क्राइस्ट जब तक वो मसीह को ना देख ले वो मरेगा नहीं ये रेवल्यूशन उस पर खुला मैं इन्हीं जगह पे झूल गया और जब वो उस मीटिंग में पहुंचा तो वो रेवल्यूशन से आया था मैं नहीं मरूंगा जब तक मैं खुदा के मसीह को ना देख लू और आज उस प्रॉमिस सन जिसका इंतजार अब्राहम और सारा पच्चीस साल से कर रहे थे वो प्रॉमिस सन जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह से हम बादलों में मिलेंगे कुछ शिमान अब मैं कहूंगा ऐसे हैं जो मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे जो जीवित और बात शिमाउन पे कब खुली गॉड आज में फास्ट में भैया इसलिए तेज बोल चिल्ला नहीं पा रहा काश में अंदर कार्बोहाइड्रेट को ज्यादा होती कि मैं पिलर्स को हिला पाता काश ये बातें लोहे की टाकी से लिखी जाती मैं मृत्यु नहीं चखूंगा ओ प्रधा Till I see the Lord's Christ. हर चर्च में तीन किस्म के विश्वासी होते हैं और किसी भी किस्म को दूसरी किस्म बनाया नहीं जा सकता प्रचार से लेकिन एक बात पक्की है कि पैंतीकोस के दिन तक एक ही किस्म रह गई थी बाकी दो किस्में रही नहीं थी हर चर्च में ऐसा ही होगा जब यीशु मसीह के चर्च में हुआ तो होगा इस चर्च में भी कि फाइनली रैप्चर के टाइम पे एक ही किस्म फेलोशिप कर पाएगी और उस किस्म का नाम है शिमियोन और हन्ना कुछ ऐसे जीवित जिनकी तस्वीर हनोक है एक दिन हनोक पे ये रेवलेशन खुल गया मैं नहीं मरूंगा एक दिन चैनल ऑफ इंस्पिरेशन शिमियोन के लिए भी खुल गई यहां कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे और उस मनसा से वो चर्च गया ये जानते हुए कि अब मैं नहीं मरूंगा जब तक मैं मसीह को ना देख लूं, और अब मसीह को देखना मैं कहूंगा आज के सीमौन के लिए तो अब बिल्कुल ही मरना नहीं है क्योंकि वो तो बदल ही जाएगा तब पिछली तुरही के फूकते ही जैसा हम जानते हैं देह बदल जाएंगी रैप्चर हो जाएगा तब तो मौत है ही नहीं तो जब मसीह को देख लेंगे मौत उसके बाद कही थी शिमोन से हजार साल पहले इस टाइम पे तो शिमोन के लिए मौत लिखी ही नहीं माय oh गॉड अब आपको समझ में आएगा कि जब एक्सपेक्टेशंस के साथ पहुंचा तो कौन है एक्सपेक्टेशंस लिया हुआ यह वो है एक्सपेक्टेशन वाला जो चर्च में आया इस रेवलेशन के साथ मैं वो ग्रुप हूं मैं वो लास्ट ग्रुप हूं आई एम दैट लास्ट वन हु सी द लॉर्ड्स क्राइस्ट और जो मरेगा नहीं अगर इतनी समझ में आ गई बात तो इसके ऊपर अब अगली बात डेवलप होगी तो मैं बात कर रहा हूं खाली शिमयन वाले ग्रुप से मेरी बात बाकियों से आज नहीं है आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आपका उफाज भी बेकार लेकिन आपने अगर उपवास दिल से रखा जैसा मैंने अभी मीटिंग में भी कहा कि जब उपवास रख के आए तो एक मोटिव होना चाहिए गोल अब आइए अगली बात पे बैठिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं अब आपको समझ में आएगी बात कि यहां एक शिम्यौन है जिस पे पवित्र आत्मा ने ये रिवील कर दिया शिमोन हो सकता है खांसता हो शिमान हो सकता है कभी कभी बीमार पड़ता हो प्रभु मेरी भी क्या मैं भी उनमें से एक ही हूँ अपने पूर्वजों के समान मैं ड्रामा खींच रहा हूँ मेरे भी पूर्वज थे वो भी ऐसे खाँसते खूँसते किसी बीमारी को लेके चले गए या बुजुर्गी में चले गए अब मैं भी हो रहा हूँ बुजुर्ग ठीक है हमने काफ़ी इंतजार किया हर पीढ़ी इंतज़ार करती थी, थी थी उस आने वाले मसीहा का आप पढ़ी नबी का मैसेज कैसे पत्रह सौ यमुन्ना के फादर ने उन्हें बताया था शिमोन योना के पुत्र उनके जो फादर जोनास थे वो बताते थे देखो बेटा मेरी पीढ़ी में तो आया नहीं लेकिन मुझे पक्का मालूम है तुम्हारी पीढ़ी में आ रहा है याद है तो ऐसी शिमोन एक पीढ़ी का है जो कह रहा है कि बस अब साहब हमारी पीढ़ी भी निकल रही है आएगा, आएगा 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 अब तक तो आया नहीं लेकिन खुदा हम जानते हैं कि वो आएगा लेकिन मैं अपनी भक्ति छोड़ूंगा नहीं मैं हर मैं हर फास्टिंग में आऊँगा मैं हर दुआ करूँगा मैं हर मैसेज सुनूंगा मैं दीवाना हूं इन प्रॉफिट्स के टेप्स का शिमोन एक दीवाना है टेप्स का वो प्रॉफिटिक लैंग्वेज पढ़ता है और वो प्रॉफिटिक लैंग्वेज पढ़ के मेडिटेट करता है अपनी स्टडी में बहुत बैठता है पता नहीं स्टडी में बहुत बैठता है और दुआएं बहुत करता है खुदावन का खोजी है उसके साथ भी रोटी कपड़ा मकान की हो सकता है प्रॉब्लम रही हो लेकिन एक दिन आया पवित्र आत्मा कमरे में आया हो सकता है वो दिन शिमोन काफी अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा हो पता नहीं मेरा भी क्या होगा तो आवाज ने आके कहा तू नहीं मरेगा जब तक तू प्रभु के मसीह को ना देख ले तू नहीं मर सकता और उसे जिस दिन वो मीटिंग आया ये मालूम था कि वो मसीह आज चर्च में आ रहा है उस मीटिंग में वो वचन दे धारी वो साइन वो इमेनुअल रमलिया का बेटा पेका और इमैनुअल याद है अब अगला मैसेज सिमाउन को मालूम है अब वो इमैनुअल आ रहा है और वो आज की मीटिंग में आएगा अरे मेरी शक्लें क्या देख रहे हो काश खुदावन तुम्हारे दिलों को छुए कि तुम्हारे भी समझ में आएगी हो क्या रहा है बैठिए मैं आगे बढ़ता हूं तो मैं आज बात कर रहा हूं शिमोन वाले ग्रुप से इसी शिमयन की कैटेगरी का एक और है जिसका नाम है अयूब इस कैटेगरी के कुछ स्पेशल कैटेगरी कुछ नाम हैं जो इस किताब में लिखे हैं शिमोन उनमें से एक है एक है अयूब, एक है अब्राहम मैं कहूंगा भाई मैंने भी वो नहीं पढ़ा जो पढ़ना चाहिए था खैर जो नहीं वाला पढ़ा समझा वो तो खैर मैं बाद में बताऊंगा लेकिन मैं एक छोटा सा पॉइंट क्योंकि अब दुआ का टाइम हो रहा है रखू ये बात समझाने के लिए कि दुआओं के सामने कोई भी अड़चन अब रहेगी नहीं एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जितनी भी रुकावटें हों अब देखिए ये आपका नबी ने मैंने मैसेज में भी रिसेंटली सुना कहते हैं कि अब्राहम वाज अ डॉलर एंड लॉट वाज अ पेनी तो नबी पेनी और डॉलर की लैंग्वेज समझा कहते हैं नबी कहते हैं दस लूथ चाहिए थे एक अब्राहम बनाने के लिए ऐसे दस लूथ भी काफी ना हो पाए कि एक अब्राहम बना पाए तो चर्च में पेनीज भी हैं मैं कहूंगा चर्च में सिक्के भी हैं पांच पैसा इकन्नी दुवन्नी चवन्नी मैं अपनी भाषा में कहूंगा नबी की भाषा को हिंदी में समझाते हुए चर्च में इकन्नी दुवन्नी चवन्नी वाले भी विश्वासी हैं और चर्च में रुपया विश्वासी भी है अब ये लेवल है अब आप कितना बेनिफिट कर पाएंगे डिपेंड करेगा आप कौन हैं, आप रुपये वाले हैं मैं बात कर रहा हूं विश्वास की या वो दोनी चवन्नी में वाले हैं आपकी समझ मारी है और मेरी दुआ काश खुदावन से ये है कि जो मैं अब बोलने जा रहा हूं आप और हम अब इसे ध्यान से समझें इससे पहले की दुआओं में जाएं पॉइंट आपका पड़ा हुआ है लेकिन यहां पे मैं एक बात कहना चाहूंगा इसको जरा ध्यान से सुनिएगा जॉब का सब्जेक्ट लेके नबी कहते हैं अब मैं उस पॉइंट को बिल्कुल नहीं रखूंगा क्योंकि टाइम बहुत निकल जाएगा मैं केवल एक पॉइंट रखूंगा जो दुआ से संबंधित है आइए पहले आयत पढ़ लें 42वां अध्याय और पहली और दूसरी आयत भाई जरा हिंदी में पढ़ दें तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है 1 मिनट मैं अब जान चुका हूं मैं जानता हूं यह पहला कन्फेशन है शिमयन की कैटेगरी वाले एक और अयू का जिसको भी पता लगा इसके पास एक दूसरा रेवल्यूशन आया मैं मरूंगा लेकिन मरा नहीं रहूंगा मैं इसी शरीर में खड़ा हूंगा और अपने सृजनहार का दीदार करूंगा उसके पास भी रिजरैक्शन और रैप्चर का रेवल्यूशन है ये वो स्पेशल सेंस हैं जिनके पास अपने बॉडी चेंज का रेवलेशन है इस कैटेगरी के सेंट्स जिनके पास बॉडी चेंज का रेवलेशन है वो कहता है खुदा से मैं जानता हूं कि आप सब कुछ कर सकते हैं क्या हवा से पैसा गिरेगा जानता हूं हो सकता है यह बीमारी चली जाएगी सब कुछ संभव है ये दुष्ट आत्मा निकल जाएगी सब कुछ संभव है यह हमारे परिवारिक समस्या में खुदा मदद करेंगे और ये परिवार की समस्या खत्म हो जाएगी सब कुछ संभव है मैं जानता हूं कि आप सब कुछ कर सकते हैं जरा इस लाइन पर रुकिए दुआ में जाने से पहले जरा इस लाइन पर रुकिए आई नो दाव कैन डू एवरीथिंग ये लुटने पिटने के बाद अब बोल रहा है विश्वासी अभी हम प्यालिस में हैं हमने इकतालीस अध्याय छोड़ दिए क्या क्या हुआ इस भाई के साथ और किन किन चीजों में होके गुजरा सब कुछ में गुजरने के बाद और सब कुछ लुटवाने के बाद अब ये खड़ा होके एक बात बोल रहा है अपने खुदा से मैं जानता हूं कि आप सब कुछ कर सकते हैं अभी इस कहने के बाद इसके सात बच्चे मर चुके थे वो साथ नबी ने बोला लौट के आएंगे खुदा ने वही साथ दे दिए उसको फिर से वो बच्चे फिर से लौटा दिए समझ आपकी? कभी कभी बच्चे रीति से चले जाते हैं कभी कभी बच्चे आत्मिक रीति से चले जाते हैं क्या मेरा आत्मिक रीति से मरा वो बच्चा जिंदा हो सकता है नबी ने ये बोला आप लोग ध्यान नहीं देते ध्यान से सुनिए जब थर्ड पुल ऑपरेट हुआ बहन हैटी राइट के घर में तो नबी ने पता क्या बोला हम तो भाई ब्रैनम प्रॉफेट करके बड़ा आदर दे रहे हैं वो दो लड़के सिस्टर हैटी के सुन रहे आप नबी देवल लाफिंग मॉकिंग एंड स्निकरिंग हंस रहे थे मजाक उड़ा रहे थे मस्खरी कर रहे थे जब मैं सिस्टर हैटी और बाकियों को बता रहा था गिलेरियों के बारे में ये दो लड़के हंस रहे थे इन पे मैसेज की जू भी नहीं रेंग रही थी ये हंस रहे हैं मजाक उड़ा रहे हैं मैसेज का और तब सिस्टर हैटी जो मां है वो विश्वासी है वो कम्युनियन की मेज की तैयारी करती है क्या जो कम्युनियन की मेज तैयार करते हैं उनके घर में भी दुष्ट आत्मा काम कर सकती है अरे भाई मैसेज पढ़ा नहीं आपने देखो मैसेज को जब अप्लाई करते हैं तब बहुत कुछ निकल के आता है जो कम्युन की वाइन बनाती थी वो कि कम्युन की वाइन बनाने वाली के घर के बच्चे ही आउट ऑफ ऑर्डर हैं सुन रहे हैं और वो परेशान है खैर पवित्र आत्मा कमरे में आ गया क्योंकि सिस्टर हैटी ने कहा इट्स नथिंग बट द ट्रूथ सिस्टर हैटी थोड़े समय के लिए अपने बच्चों से फोकस से हटी वो हंस रहे हैं मजाक उड़ा रहे हैं वो जानती है ऐसे ही हैं लेकिन वो ध्यान से सुन रही है कि भाई ब्रहनम क्या कह रहे हैं जब आप गिफ्ट का फायदा उठाएंगे तो गिफ्ट का बेनिफिट मिलेगा ध्यान से सुनिए और जब उन्होंने उस गिफ्ट को सुना तो सुनने के बाद असर यह हुआ उन्होंने कहा इट इज नथिंग बट द ट्रूथ पवित्र आत्मा कमरे में आ गया नबी ने, आप जानते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें पैसा बोलो मैं कहूं थर्सडे की मीटिंग में पैसा चाहिए बोलो तुम्हें अपने एडिट जो अपाहिज बहन है उसकी चंगाई चाहिए बोलो अभी हो जाएगा अरे भाई ये तो फर्क मीटिंग है यहां तो हम दुआ करने आए हैं यहां तो ओपन चैलेंज होली गोश्त दे रहा है डायरेक्टली विश्वासी को बोल क्या चाहिए तुझे अभी बोल इस वक्त हो जाएगा मैं तुझे बहुत प्रसन्न हूं अदा वो तो जब मुड़ के देख रही है कह रही है आई वॉन्ट दलवेशन ऑफ माई टू बॉयज आई गिव देम टू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट नबीरा वो हंसते जो बच्चे थे जो मजाक उड़ा रहे थे मैसेज का और आपके घर में ऐसे हंसते हुए बच्चे हों मजाक उड़ाते हुए परेशान ना हो एक थर्ड पुल आया उस घर में और नबीन का मिनट से पहले वो दो बच्चे गिरे अपनी मां की गोद में उन्होंने अपना जीवन को दिया पवित्र आत्मा ने छुआ आंखों के सामने सामने घर में उद्धार उतर के आ गया मैं जानता हूं कि आप सब कुछ कर सकते हैं ये तो मैंने एक उदाहरण दिया जहां गिलैरिया नहीं गिलैरियां बन सकती हैं जहां रास्ता नहीं रास्ता बन सकता है जो असंभव है संभव हो सकता है मैं जानता हूं कि आप सब कुछ कर सकते हैं और कोई विचार नबी का कोई डाउट आपके परे नहीं यानी जो कुछ आपने पिछले दो अध्यायों में मुझसे बोला भेदों को मेरे सारे डाउट आपने दूर कर दिए कुछ रेवलेशन खुला कुछ रिवील हुआ वेन गॉड केम इन दैट वर्ल्ड वेन कोई चीजें खुली उसके सामने उसमें प्लेडीज भी है आयन भी है और कई और चीजें भी हैं जब इस अयु विश्वासी पे खुली तो खुलने के बाद कहा मैंने आज बहुत अद्भुत बातें सुनी वो जो मैं जानता भी ना था इतना ऐसा आएगा अब कुछ मीटिंग ऐसी होंगी और खुदावन भी कुछ ऐसी बातें जो हमने कभी नहीं सोची कभी नहीं समझी लेकिन बात यहां पे नहीं है मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं इस अयुब के संदर्भ को लेके तब नबी एक बात बोलते हैं आपने पढ़ी है लेकिन दुआ से पहले जरा समझें नबी कहते हैं ये विश्वास एक रेवलेशन कि मैं चंगा हो गया या जो चीज मैं मांग रहा हूं मेरे लिए हो गई ये कैसे होता है इस पॉइंट पे न भी उदाहरण ले रहे हैं खैर ऑफ कोर्स बीमार लोगों का क्योंकि उसमें प्रार्थना करेंगे नाउ ना द सिक पीपल दैट्स इन द बिल्डिंग द क्रिपल पीपल यू हैव अ नीड ऑफ गॉड बीमार अपाहेज कोई भी आया हो इस बिल्डिंग में न भी कहते हैं जिसके पास आज खुदा की कोई जरूरत है वेन यू कैन गेट दैट टाइप ऑफ रेवल्यूशन जब आपको उस किस्म का रेवलेशन मिल सके किस चीज का रेवुलेशन मिले दुआ से पहले भी एक रेवलेशन है क्या मतलब दुआ से पहले भी एक रेवलेशन खुलता है कि ये मैं रेवलेशन से दुआ कर रहा हूं अरे ये कौन सी बात कह रहे हैं आप ब्रदर यानी दुआ भी बगैर रेवुलेशन के नहीं होती प्रॉपर आइए मैं जरा समझाऊं जिसके पास खुदा की जो भी जरूरत है वेन यू कैन गेट दैट टाइप ऑफ अ रेवलेशन क्या रेवलेशन भाई ब्रैना दैट यू आर जस्टिफाइड वेन यू आर एक्चुअली जस्टिफाइड इन आस्किंग द थिंग दैट यू आर आस्किंग फॉर आप ये रेवलेशन पहले खुलना चाहिए कि जिस चीज को आप खुदा से मांग रहे हैं क्या आप उसके लिए जस्टिफाइड हैं जस्टिफाइड हिंदी खाली मैं धर्मी करके मैं नहीं बोलूंगा जो बात आप खुदावन से मांग रहे हैं क्या ये खुदावन के सामने अपने अपनी दुआ को आप कर सकते हैं? ये खुलेगा जस्टिफाई का मतलब क्या ये जायज है जस निश्चिल भाई बोल रहे हैं जो मैं खुदा से मांग रहा हूं क्या खुदा की नजरों में ये बात जायज है ग्रहण योग्य है आइए अगले पढ़े इसका रेवल्यूशन पहले खुलना चाहिए मांगने से पहले अब यह कैसे रेवल्यूशन खुले आगे पढ़ेंगे जब आपको वो रेवल्यूशन मिल जाएगी आप जस्टिफाइड एक्चुअली आस्किंग दैट थिंग यू आर आस्किंग फॉर एंड बिलीव और विश्वास करें दैट ही इज अ ऑफ दैट सीक आफ्टर हिम कि वो उनको जो उसकी यतन से खोज करते हैं उनका रिवॉर्ड देता है दैट्स नथिंग कैन एवर सेपरेट यू फ्रॉम दैट फेथ दैट्स एंकर टू यू उस विश्वास से आपको कोई चीज अलग नहीं कर सकती बट फर्स्ट इट टू बी रिवील्ड टू यू लेकिन पहले ये चीज आप पे प्रकट होना चाहिए इसको एक्सप्लेन करने नबी कह रहे हैं कुछ दिन पहले आपने पढ़ा है मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूं जल्दी जल्दी कि भाई डिमोस शिकैरिया ना कुछ लोग बिजनेसमैन हैं तो नबी ने देखा कि कैंटकी में एक जगह तेल है इन्हों डिमोस जाओ वहां तेल है खुदा चालू कर दो तुम्हें तो वहां तेल मिल जाएगा तेल का मतलब बहुत बड़ा बिजनेस बोले दिमाग है और तमाम लोग थोड़ा सा आनाकानी करे वो नहीं गए बोले जब वो नहीं गए तो को, कोई और था जो वहां पहुँच गया और उसे तेल मिल गया बोले मैं के साथ बैठा था मैंने कहा तुमको तो बहुत पहले चलाना चाहिए था वहाँ पर मैं तुम्हें बहुत पहले बोला कि आप वहां जाओ वहां तेल है आप वहां गए नहीं तब बोले ब्रदर ब्रहणम खैर नहीं हाउ तब भाई ब्रनों के सामने दर्शन खुला के बोले जो तेल उस आदमी को मिला एक्चुअली कंटेक में वो तो केवल एक शाखा है जो असली तेल की खान है वो आसपास एक जगह थी जो दर्शन में खुदा ने नबी को दिखा दी अब भाई डेमो शेखे तमाम लोग आए भाई ब्रनम जल्दी बताओ वो कहां है ताकि हम वही खुदाई करें ताकि हमें वो तेल मिल जाए मुझे बताओ मैं अपना सुबह सब्जी का ठेला कहां लगाऊं इसके लिए दर्शन देखो बताओ दर्शन देख के मुझे बताओ मुझे सबसे ज्यादा पैसे की मुनाफा कहां से होगा खैर जिनके पास पैसा नहीं उन्हें पैसे की जरूरत भी है लेकिन ध्यान से पॉइंट सुनने की कोशिश करिए जैसी दबदेमा और तमाम भाइयों ने मिलकर पूछा बताइए भाई ब्रा तेल कहाँ है न सॉरी न न मैं आपको बता नहीं सकता अरे आपने दर्शन देख ही लिया तेल का तो बता दीजिए हमारा फायदा हो जाएगा वो तो नहीं डोन्ट यूज द सी वी डोंट यूज द गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर कमर्शियल हम खुदा के वरदान को कमर्शियल कामों के लिए नहीं इस्तेमाल करते समझ मारिए बता दो कहा हाथ लगाऊ ये तो करते हैं हिंदू लोग जितने बड़े बड़े फिल्म नेता हैं कौन सी तारीख को फिल्म रिलीज करूं वो मुहूर्त कौन सा है कौन सी तारीख नारियल फोड़ा जाए होता नहीं दुनिया में बड़े बड़े अरबपति यही करवाने के लिए पंडितों का सहारा टटोलते हैं और उनके बिके पंडित उन्हें बताते हैं इस मुहूर्त पे कर लो हो जाएगा आप जानते हैं समझ है? ऐसी भाई ब्रहम को समझ रहे हैं ऐसा ही एक पंडित पंडित बाबा बता दे कहा दुकान खोलूं बाबा बता दे कहाँ खुदाई करूँ तेल कहाँ से मिलेगा और तेल मिला अरबों का फायदा है नबी ने कहा सॉरी मैं बता नहीं सकता खुदावन की गिफ्ट कमर्शियल के इस्तेमाल नहीं होती आगे बढ़ते हैं तब नबी आगे कहते हैं कि प्रूफ करने के लिए जो बात मैं कह रहा हूँ वो सच है इन लोगों के मोटिव ठीक नहीं थे बोले कुछ ही दिनों में इन लोगों के बीच में एक फूट उठी एक दूसरे पे ये लान करने लगे और किसी ने पैसा मार लिया किसी ने कुछ किया इनके मोटिव्स ही ठीक नहीं थे और तब भी समझाते हैं कि अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स और मोटिव्स ठीक हैं किसी चीज को मांगने के लिए और वो खुदा की इच्छा में है तब खुदा जवाब देते हैं सॉरी मैं आपका टाइम ले रहा हूं पिछले थर्सडे से लेता आ रहा हूं लेकिन मैं पॉइंट रखता हूं

एक एक लाइन टन वजन की है एंड यू नॉट आस्क इन फेथ रियल ऑब्जेक्टिव टू दैट टू बी इन विल ऑफ गॉड और आप उस चीज को मांग नहीं सकते जब तक उसके पीछे एक सही हकीकी मतलब नहीं है आपका और वो मतलब क्या है कि आप खुदा की इच्छा को पूरी करें अब यहां एक पॉइंट है मैं कैसे बताऊं खैर मैं सी यू वांट टू बी वेल नवी बात कर रहे हैं रोगियों से अगर आप ठीक होना चाहते हैं व्हाट डू यू वांट टू बी वेल फॉर तो आप चंगाई क्यों चाह रहे हैं आज आप बीमार आए हैं मीटिंग में प्रभु मुझे चंगा कर प्रभु पूछेंगे क्यों अगर मैं तुम्हें आज ठीक कर दूं तो तुम क्या करोगे खुदा के पास अपनी दुआ मांगने से पहले सोच के आए हैं और ये मानसिक सोच नहीं है ये दिल का होना चाहिए <laughs> इसलिए कई दुआओं का जवाब नहीं मिलता खुदा से आप क्या कह रहे हैं वॉट यू वॉन्ट टू डू विद योर लाइफ वेन यू गेट हील क्या करोगे अपने जीवन के साथ जब आप चंगे हो जाओगे मोटिव एंड ऑब्जेक्टिव तब ने भी हिस्किया का एक उदाहरण देके कहा ने एक रीजन बोला खुदा से जो कि खुदा की इच्छा के अनुसार था कि मुझे इतनी जिंदगी दे कि मैं अपने परिवार को ऑर्डर में ला सकूं ये तो की इच्छा है तो खुदा ने वो पंद्रह साल बढ़ा दिए आप किस मतलब को लेके आए प्रभु मुझे मैं उदाहरण लेता हूं इससे बात आपको थोड़ा स्पष्ट समझ में आएगी और तब आगे नबी समझाएंगे कि प्रार्थना करने के लिए एक चैनल है तरीका है सबसे पहली चीज आपके पास मुकाशवा खोलना चाहिए खुदा की सिद्ध इच्छा का होने वाली का नहीं सिद्ध इच्छा का तब वो विश्वास आप रिवील होगा और तब एक चैनल खोलती है यू गॉट टू हैव अ मोटिव एंड ऑब्जेक्टिव दुआ करने से पहले आपके पास दिल में एक मोटिव होना चाहिए एक ऑब्जेक्टिव एंड हैव टू बी राइट अकॉर्डिंग टू विल ऑफ गॉड वो खुदा की इच्छा के अनुसार होना चाहिए उदाहरण तौर पे खुदा मुझसे पूछेगा प्रभु रहम करें मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए मुझसे पूछेगा क्यों अब तब प्रभु मुझसे एक सवाल ये पूछेगा ठीक है मुझे डॉक्टर बना देता हूं इससे मेरी इच्छा कहां से पूरी होगी मुझे यह समझाओ हां एक क्लॉज है और हां अगर प्रभु मैं सोचता हूं कि वो समाज का सेवी बनेगा ये बकवास करना करो बंद मुझे मालूम है कि कितने डॉक्टर्स और कितने लोग समाज सेवी हैं समाज की सेवा नेताओं के भाषण में सुनने या नहीं आया हूं खुदा कहेगा तुम्हारा दिल का मंसूबा क्या है मैंने एक उदाहरण दिया प्रभु मैं चाहता हूं मेरा बेटा आईटी क्लियर करे बोले ठीक है इससे मेरी इच्छा कैसे पूरी होगी प्रभु मेरी दुआ है कि मेरे बेटे को एक ऐसी नौकरी मिले जिसे पीछे मुड़के देखना ना पड़े क्यों प्रभु मेरी दुआ है कि आप प्लीज मुझे ये नौकरी दिलवा दें बोले क्यों मेरे सामने रीजन बताओ क्यों यहां एक उदाहरण है सिस्टर हैटी का जिसने अपनी बीमार बहन का की चंगाई मांगी नहीं मुझे वो बीमार अवस्था में कबूल है है? ये कौन सा मैसेज आज आप रीच कर रहे हैं ब्रदर बोले एक चीज मांगो बहन और हो जाएगी बोले अपने बच्चों का उद्धार उन्होंने कहा सही बात मांगी क्योंकि अगर एडिथ ठीक भी होती तो फिर से मरती और उस दुनिया में तो अपाइज होगी भी नहीं लेकिन सिस्टर हैटी ने जो चुन के बात मांगी वो अनंत थी जो खुदा की सिद्ध इच्छा थी मैं आपको हिलाने आया हूं आज अपनी दुआ करने से पहले जो मनो में करोगे या मुंह खोल के करोगे पहले अपनी दलीलें सोच लो अब दलील दिल से होना चाहिए मुंह पे नहीं यही कई कंडेम हो जाएंगे कि मैं उपवास रख के किस लिए आया आज लेकिन नबी ने कहा जब आप पे आपके मोटिव और ऑब्जेक्टिव सही हैं कि आप खुदा की सिद्ध इच्छा में हैं द फेथ इज रिवील्ड टू यू तब उस चीज को मांगने मांगने के लिए जब आप मांगने जाते हैं क्या खुदा उन जवाब देंगे या नहीं देंगे खुदावन एक विश्वास उंडेलते हैं आपकी दुआ के बाद अब यह होता है दुआ के बाद खुदा एक विश्वास उंडेलते हैं कि अब आपकी दुआ क्विकन हो जाती है आपको समझ में आ जाता है मैंने सही बात मांगी सही इच्छा के अनुसार ये विश्वास आप खुलता है एक चैनल खुलती है एक तस्वीर समझ में आती है और तब वो चीज आपके लिए हो जाती है आपकी इन वर्ड्स, है तो बहुत लंबी चौड़ी बातें लेकिन मैं बंद कर रहा हूं टाइम निकल गया जब आप खुदावन के पास किसी चीज को मांगने आए मैं आज कहूं कि ब्रदर हमारे चर्च के कुछ तो भैया हम चाहते हैं खुदावन कि हम आपके लिए एक भवन बनाए मैं उदाहरण दे रहा हूं मैं भवन का एग्जाम्पल ले रहा हूं बोले किस लिए मैं तो कलाम में कह जाऊंगा कि क्या मुझे कोई भवन की जरूरत है तो लिए कौन सा भवन बनाओगे लेकिन अगर एक सही मोटिव हो सही ऑब्जेक्टिव हो जो खुदा की सिद्ध इच्छा के अनुसार हो उसमें चीटिंग ना हो फरेब ना हो उसमें घमंड ना हो उसमें ईगो ना हो उसमें जेलसी ना हो मैं खाली घर भवन बनाने की बात नहीं कर रहा मैं हर रिक्वेस्ट की बात कर रहा हूँ कि आप चंगाई मांग रहे हैं या कोई और भी चीज मांग रहे हैं ठीक होने के बाद मेरा वो काम रुका हुआ है जिसमें मैंने उसको बीस हजार रुपए रिश्वत में दिए थे बीच में मैं बीमार पड़ गया ठीक नहीं रहा ठीक हूंगा सबसे पहले वो काम निपटाऊंगा अब क्या खुदावन दुआ सुनेंगे <laughs> खुदा की कौन सी इच्छा पूरी करेंगे एक लास्ट लाइन बोल के जाऊंगा तब हम दुआ में जाएंगे खुदावन की कौन सी मिस्ट्री को पूरा करेंगे इस दुआ में होते हुए खुदावन की कौन सी मनसा जो आपके लिए वो बिना पेश सोच चुका आप पूरा करेंगे क्या इसका रेवल्यूशन मिला और जहां इसका रेवल्यूशन मिला आपको मालूम है आप जस्टिफाइड है ये दुआ मांगने में और जब आप जस्टिफाइड हैं इस दुआ को मांगने में हो ही नहीं सकता कि ये दुआ सुनी ना जाए उसका जवाब के ही रहेगा और जब आप आके ही रहे आप है मेरे साथ प्रभु हम मीटिंग जाना चाहते हैं थे मैं कहूं अपने लिए मैं अपने भी एक उदाहरण लू कि मैं मीटिंग जाना चाहता हूं प्रभु आज दुआ मैंने भाई रखवाई हमारे साथ हूं किस लिए मैं उसी दिन जब तुम जा रहे हो सारे रास्ते ब्लॉक करा देता हूं मैं नहीं खोलता लिए रास्ता मुझे रीजन दो कि आप हल्द्वानी क्यों जाना चाह रहे हैं कुछ भाइयों के साथ मेरी कौन सी इच्छा पूरी होगी वहां जाके प्रभु हम चाहते हैं रूहें बचें ये हों वो हों बोलते बेटा ये सारी बातें तो मैं सुन ली मुझे बताओ मेरी कौन सी इच्छा है जो वहां जाके तुम पूरा करने जा रहे हो प्रेजेंट योर रीजन गॉड ब्लेस यू मैं बस यही खत्म करूंगा यानी कि इवन मीटिंग में जाने से पहले एक रीजन रखें क्यों जाना चाहते हैं उस मीटिंग में उन्होंने मीटिंग कर ली उन्होंने बुला लिया हम चले गए रीजन क्या है तुम्हारा फिर तुम्हारे दिल में ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसमें कोई फरेब तो नहीं है कोई इधर उधर की बातें तो नहीं है ऐसी मनसा को लेके मीटिंग में जाओ मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होगी लेकिन दिल में है कि खुदावन की कोई इच्छा है जो बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है बहुत लंबा चौड़ा मैसेज है जिसको मैं आज नहीं रख रहा वो इच्छा का जानना जरूरी है और वो इच्छा नबी ने समझाया प्रकट होती है वचन से तो इस रेवलेशन पे आने के बाद आप जब दुआ रखें वो दुआ सुनी जाएगी आज के लिए काफ़ी गॉड ब्लेस यू भाई टाइटस